हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व मैथ्स इजली। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व कार्ड वाई एक्सप्लोर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, परसेंटेज आर इन एप्लीकेशन, जिसमें हम थे एक्सरसाइज 9.4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपने बाकी के एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट चेक करके। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन एयर कूलर एट द शॉप वॉज ₹3,300 इंक्लूडिंग 10% टैक्स। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर द टैक्स वाज एडेड। बोला एक एयर कूलर है जिसकी प्राइस है 3,300 और जिसमें 10% टैक्स भी मिला हुआ है। ठीक है, उसकी प्राइस कुछ रही होगी, वो 100% रही होगी और टैक्स मिल कितना हो गया, 110% हुआ। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर द टैक्स वाज एडेड। तो बोला है प्राइस ऑफ एयर कूलर बताइए जब टैक्स नहीं ऐड हुआ था तब। मतलब हमें 100% जानना है। तो बस आपको क्वेश्चन अगर समझ लिए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व एक लाइन में। तो कूलर का दाम रहा होगा 100%, उसमें 10% टैक्स है, मतलब 110%। वही 110% कितना दिया हुआ है, 3,300। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्राइस ऑफ कूलर इंक्लूडिंग टैक्स कितना है, 3,300। इसका मतलब है 110% इज इक्वल टू कितना है, 3,300। और हमें प्राइस ऑफ कूलर निकालना, 1% इज इक्वल टू 3,300/110। अब प्राइस ऑफ कूलर क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, तो 100% निकाल लेते हैं। ये कटा इससे 0 से 0, 11, 3 जा 3, 1 0 यहाँ बचा है, 2 0 यहाँ बचा है, मीन्स 3,000। प्राइस ऑफ कूलर क्या रही होगी हमारी, 3,000। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखा है द लीस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज 30,500। मतलब कि एक टीवी है जिसका कि लीस्ट प्राइस टैग बना हुआ है कितना, 33,500 ने। तो बोला फाइंड द अमाउंट दैट ए कस्टमर हैड टू पे फॉर इट इफ 10% टैक्स इज चार्ज। अब देखिए, इसमें टैक्स मिला नहीं हुआ है, अभी बस टैग लगा हुआ है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पे आपको डोसा खाना है, तो वो लिखा हुआ 50 रुपये, तो आप 50 रुपये, तो वो डोसा का दाम है। फिर उसके बाद आपको लिखा होगा, जब बिल आता होगा तो GST लिखा होगा, GST चार्ज 5% या 2% या 1%। तो आपका अगर जो उसमें क्या 10% GST लग रहा है, तो आपको क्या 5 रुपीज़ और देने पड़ते हैं, मीन्स आपको टोटल कितना देना पड़ा, 55 रुपीज़ देने पड़े। तो यहाँ पे क्या दाम डोसे का 50 था, लेकिन इसमें जब हमको GST मिला दिया गया है तो टैक्स मिला दिया, कितना हो गया, 55 हो गया। और कभी कभी आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे, वहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता होगा, कि मतलब वो इंक्लूडिंग टैक्स उनका दाम होता होगा। ठीक है, तो वहाँ पे डोसे का दाम 50 नहीं होता होगा, वो 60 होता होगा, मीन्स वो टैक्स लेके ही दाम लगाए रहते हैं, वो दिखाते नहीं है कि आप इतना टैक्स पे कर रहे हो। तो ठीक है, सबका अलग अलग फंडा होता है। उसी तरह ये भी है कि यहाँ पे जो टीवी की प्राइस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 13,500 दी हुई है, उसके बाद 10% के बाद टैक्स लग रहा है। तो मीन्स हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्राइस ऑफ टीवी, गिवन में लिखते हैं हम लोग, ये इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, ₹13,500। टैक्स कितना लग रहा है हमारा, 10% का, जिसका मतलब है कि हमारा 100% कितना दिया हुआ है, 13,500। हमें निकालना क्या है, 110% मीन्स टैक्स लगने के बाद का चार्ज। तो 1% इज इक्वल टू हो गया 13,500/100, और हमें 110% निकालना, तो 110 से मल्टीप्लाई किए, 0 से 0 कटा, इसको आप देख लीजिए कितना होगा, 531531 5538314 1, मतलब 1485 और 10 मीन्स 14,850 इसको देना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक एयर कंडीशनर है जिसको खरीदा गया कितने में, 21,800 में। ठीक है, अगर उसमें 9% टैक्स इंक्लूड हो इस प्राइस में, मीन्स ये प्राइस क्या है, टैक्स लगने के बाद का प्राइस। जैसे कि मैंने डोसे में बताया कि जो 60 रुपये का डोसा था वो टैक्स लगने के बाद का दाम था, तो उसी तरह ये भी टैक्स लगने के बाद का दाम है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस मीन्स अगर टैक्स को हटा दिया जाए तो उसकी प्राइस कितनी रही होगी। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए कि यहाँ पे AC एयर कंडीशनर बॉट कितने में ख़रीदा गया है, इक्वल टू ₹21,800 में। टैक्स कितना लग रहा है हमारा, 9%।
अब आपको पता है कि वो दाम रहा होगा कितना, 100% इसी का दाम, 9% टैक्स लग गया तो 109 हो गया, और वही इक्वल टू क्या है 218,00, तो आपका 1% निकाल लीजिए, 1% कितना होगा 218,00 अब्लिक 109। अब आपका निकालना क्या है हमको 100%, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब हमारी जीएल प्राइस 100% रही होगी, तो 100 हो गया ये। अब इसको कट करिए, ये 2 टाइम में कट जाएगा इससे, तो 2 2 0 यहाँ बचा, 2 0 यहाँ बचा, मीन्स इसका 20,000 क्या होगा, इस एसी का दाम रहा होगा, एयर कंडीशनर का दाम रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, आपका आंसर आपके टंग पे होगा, ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक समय आएगा कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई परचेज ए वॉशिंग मशीन हैविंग द मार्क प्राइस ऑफ 13,000 रुपीज़, मीन्स एक वॉशिंग मशीन खरीदा गया जिसका मार्क प्राइस है, जिसे लिखा हुआ प्राइस कितना है 13,000 है, और डीलर ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, डीलर ने कितने का ऑफर दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, एंड ए टैक्स ऑफ 10% वॉक चार्ज, तो पहले तो उसने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 10% का टैक्स भी लिया है, तो हाउ मच अमाउंट आई हैड टू पे टू डीलर, तो बोला गया कितना अमाउंट मुझे डीलर को पे करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस, तो एमपी ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है आपका ₹13,000, ठीक है। अब भाई डीलर तो बहुत चालाक था, उसने क्या 10% का डिस्काउंट दिया। अब कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, अब डिस्काउंट के बाद 10% का उसको डिस्काउंट दिया है, तो इसका 10% पहले हम निकाल लेते हैं, तो 13,000 का हम क्या निकालेंगे, 10% निकाल लेंगे, 0 से 0 कटा, अब चाहे तो 13,000 बोल सकते हैं। तो अब ये क्या किया, अब इसको यहाँ पे अब क्या करेंगे, 13,000 से हम माइनस कर देंगे 1300, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0, अब ये 10 से 3 जाएगा तो 7, 2 से 1 जाएगा तो 1, ये 11,700 उसको मिल रहा है। अब इस पर क्या करना है, उसको 10% का टैक्स देना, मतलब ये 100% है अपने आप में, ये 11,700 इक्वल टू क्या हो गया 100%, और हमको क्या है 10% टैक्स देना है, इसका मतलब 110% निकालना, तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 11,700 / 100, और 110% इक्वल टू हो गया 110, 0 से 0 कटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1,1,7, 7,1,1, 7,7,1,1,1,2 और 1,12,87, मतलब 12,870, मतलब 12,870 उसको देना पड़ेगा। अब उसका प्राइस क्या हो जाएगा टैक्स देने के बाद, 12,870। हमने क्या किया, पहले 10% को डिस्काउंट मिल रहा है, उसको डिस्काउंट को कटा के घटा के हमने देखिए हमें कितने का वो पड़ रहा है, कितने का वो कूलर हमें पड़ रहा है, फिर इसके बाद उसमें टैक्स भी लग रहा है, इसका हमें 10% जोड़ लेना है। आप चाहे तो 1170 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, या फिर आप 110 निकाल सकते हैं, इसका 110% निकाल सकते हैं। तो ये आ गया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रही, क्योंकि मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ वीडियो बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।